अयोध्या में फैजाबाद स्थित सर्किट हाउस में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरी और अंतिम दिन की बैठक हुई। समिति के चेयरमैन नृपेश मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्यों समेत L&T टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट भी शामिल हुए। बैठक में दिसंबर 2023 तक नए मंदिर में रामलला के दर्शन कराने पर चर्चा हुई। बैठक समाप्त होने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि सारी प्रक्रिया इस प्रकार होगी कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में भगवान का दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि एक दिन में 1,00,000 श्रद्धालु कैसे दर्शन कर सकेंगे, इस विषय पर भी चर्चा की गई है। वहीं मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों की फिटिंग पर कोटा रिटेनिंग वॉल समेत कई गतिविधियां एक साथ चलाने पर विचार हो रहा है। श्री राम मंदिर का पूरा परिसर इको फ्रेंडली बनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। मंदिर की नींव का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अक्टूबर में प्लिंथ का काम शुरू किया जाएगा जिसमें 4,00,000 घन फीट पत्थर लगेगा। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दर्शन मार्ग का नाम कल्याण सिंह मार्ग किए जाने पर यूपी सरकार की सराहना भी की। सारी प्रक्रिया इस प्रकार होगी कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में भगवान का दर्शन कर सकें। ये भी विचार हुआ है तिरुपति तिरुमला देवस्थानम में दर्शन कैसे होते हैं। 1,00,000 भक्त आएंगे, एक व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकेगा, कितनी देर लगेगी, ऐसी गणित की गई हैं और बहुत ही बारीकी से अध्ययन हो रहा है। कई प्रकार के काम एक साथ भी करेंगे। अब मंदिर में लगने वाले पत्थरों का फिटिंग, परकोटा रिटेनिंग वॉल, कई गतिविधियां एक साथ चलाने की योजना पर भी चिंतन हुआ है। संपूर्ण परिसर कैसा होगा, इसी के साथ साथ पर्यावरण के राष्ट्रीय मानकों का ध्यान रखने पर भी विचार हुआ है। अभी विचार चल रहा है, लेकिन इको फ्रेंडली सारा क्षेत्र हो। यदि एक ही दिन में 5,00,000 लोग आ गए तो वो भी समा जाएं, व्यवस्थित रहें, दुर्घटनाएं न हों, ऐसी बारीकियों पर आज चिंतन हुआ है। ये सारा काम अभी नींव का काम कुछ है, वो सितंबर में पूरा होगा, हो सकता है 15 सितंबर तक पूरा कर लेंगे। प्लिंथ ऊंचा करने का काम अक्टूबर के अंत तक प्रारंभ कर देंगे। प्लिंथ में भी पत्थर लगना है, ग्रेनाइट लगना है, मिर्ज़ापुर का स्टोन लगना है। और ये प्लिंथ में लगने वाला पत्थर भी अनुमानतः 4,00,000 घन फुट होगा, इसलिए ये काम हम अक्टूबर में प्रारंभ कर देंगे, ऐसी प्लानिंग पर काम चला है।